इंडिया के बहुत कम कार्टून है जो आने के तुरंत बाद ही पॉपुलैरिटी गेन कर लेते हैं। उनमें से एक है पिनाकी एंड हैप्पी द भूत बंधु। इसको आए हुए 4 महीने भी नहीं हुए और आने के तुरंत बाद ही इसने IMDb पे 8 पॉइंट की रेटिंग हासिल कर ली। ये बहुत शॉकिंग बात है, इंडिया के किसी कार्टून को IMDb पे 8 पॉइंट की रेटिंग कभी नहीं मिलती, पर ये कार्टून है ही इतना अच्छा कि लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। तो मैं आज आपको बताऊंगा पिनाकी एंड द हैप्पी द भूत बंधु की पूरी कहानी, कि उसको किसने बनाया, उसके वॉइस एक्टर्स कौन है और वगैरह वगैरह। तो इससे पहले कि हम वीडियो की तरफ बढ़े, हेलो गाइस, मैं हूं दिव्यांग और आज दूंगा आपको एक ज्ञान कॉन्सेप्ट। तो आप लोगों में से कितने लोगों को ये बात नहीं पता होगी कि ये कार्टून हॉलीवुड के एक एनिमेशन सुपरहिट मूवी के ऊपर बेस्ड है, जिस मूवी का नाम है कोको, और ये मूवी ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई। तो इस एनिमेशन मूवी के ऊपर बेस्ड है हमारा ये पिनाकी एंड द हैप्पी भूत बंधु का कार्टून, जिसकी स्टोरी कुछ हद तक बिल्कुल सेम है। स्टोरी, इस कार्टून में एक भूतिया फैमिली होती है जिसमें 4 मेंबर्स होते हैं, मिस्टर कर्नल सूरी, मिसेस सूरी, हैप्पी और गप्पू। तो ये फैमिली एक बच्चे को अडॉप्ट करती है जो नॉर्मल होती है और उस बच्चे की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ये कार्टून बहुत ही फनी है और आजकल के बच्चों को बहुत पसंद आ रहा है। अननोन फैक्ट्स, तो आप लोगों को एक शॉकिंग बात बताता हूँ कि इस कार्टून का टाइटल सॉन्ग लिखा है द लेजेंडरी मिस्टर गुलजार सर ने, जो बॉलीवुड के एक बहुत बड़े लिरिसिस्ट हैं। और सेकेंड अननोन फैक्ट ये है कि ये कार्टून बेस्ड है हॉलीवुड की एनिमेटेड मूवी कोको के ऊपर। वॉइस एक्टर्स, तो अगर आपको इसके वॉइस एक्टर्स के बारे में जानना है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिए, इस बारे में मैं एक वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, उसे देखिए तो आपको पता चल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और हाँ, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।